Children, I am KK Vasist, your English teacher. देखिए, जैसा कि आपके क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चल रहा है, उसी के साथ ही एक टॉपिक और शुरू कर रहा हूं। दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, बहुत आवश्यक है और बिना उसके अंग्रेजी सीखना बड़ा मुश्किल है। तो ट्रांसलेशन आपका और साथ में शुरू कर रहे हैं, देखें। ट्रांसलेशन, अनुवाद। तो सबसे पहले टेंस। टेंस आप जानते हैं क्या अर्थ है इसका? काल या समय। देखिए, टेंस मींस काल, समय। तो इस टेंस को हम तीन भागों में बांटते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल, जो इस समय वर्तमान में चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट टेंस, आप पढ़ रहे हैं यह भी प्रेजेंट टेंस। तो और पास्ट मींस भूतकाल, मींस दैट हैड हैपेंड, जो हो चुका। कल पढ़ाया था, कल आपने पढ़ा था, तो क्या है वो? पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस मींस दैट विल कम टुमारो, जो कल आएगा, आगे आने वाला। कल पढ़ाऊंगा, कल आप पढ़ेंगे। तो जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो हो चुका पास्ट टेंस, और जो आगे आएगा फ्यूचर टेंस। देखिए, सबसे पहले आपको टेंस समझना जरूरी होगा कि है क्या। देखिए, प्रेजेंट मींस क्या होता है? जिन वाक्यों के अंत में है लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और पास्ट टेंस था, जिन वाक्यों के अंत में था लगा हुआ है वो पास्ट टेंस का वाक्य है। और गा, और जिसके अंत में गा है वो फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब देखिए, इस टेंस के साथ ही आपके काम की दशाएं हैं, कंडीशंस ऑफ वर्क, कार्य की दशाएं। कि काम जो होता है वो चार कंडीशंस में होता है। क्या है? नंबर एक, इंडेफिनिट। मींस अनिश्चित। और दूसरी कंडीशन क्या है? कंटिन्यूअस, मींस लगातार या निरंतर। और तीसरी कंडीशन क्या है? परफेक्ट, मींस पूर्ण या जो हो चुका। और चौथी क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। मींस निरंतर पूर्ण करना। देखिए, तो जो काम आपका है उसकी चार कंडीशन है। पहला क्या है? इंडेफिनिट, अनिश्चित। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस, निरंतर, लगातार। और तीसरा परफेक्ट, पूर्ण या जो हो चुका है। और चौथी कंडीशन है आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, इंडेफिनिट मींस इसका अर्थ क्या है? टा। और कंटिन्यूअस का अर्थ क्या है? रहा। और परफेक्ट का अर्थ क्या है? चुका। और परफेक्ट कंटिन्यूस का अर्थ मींस, देखो, जहां कंटिन्यूस लगा हुआ है तो वहां रहा तो है ही। और परफेक्ट कंटिन्यूस मींस दिए हुए समय के अनुसार पूरा करना, दिए
हुए समय के अनुसार पूरा करना। देखिए तो आपके काम की चार दशाएं, यहीं से आपका टेंस पूरा बन रहा है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही अगर हम पास्ट टेंस में पहुंचते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में पहुंचते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपके 12 टेंस बन गए। देखिए अगर हम ता की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करते हैं तो ता है, और पास्ट में बात करेंगे ता था। ऐसे ही अगर हम अगर रहा में चल रहे हैं, कंटिन्यूअस में चल रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चुका, चुका है, चुका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या होगा ये? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर था में पहुंच जाए तो चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, और चुका होगा, चुकी होगी, क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। देखिए काम दिया हुआ, काम समय के अनुसार काम पूरा करना। रहा, 2 घंटे से खेल रहा, रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 घंटे से खेल रहा था, क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और 2 घंटे से खेल रहा होगा, क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हमारा टेंसेस बनता है। देखिए आज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत करते हैं, तो यहां से आप टेंस प्राप्त करेंगे। देखिए अब शुरू करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए अब सबसे पहली चीज क्या है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो वाक्य को पहचानना सीखिए। मैंने भी कहा था कि प्रेजेंट टेंस का अर्थ क्या है और इंडेफिनिट का अर्थ क्या है? ता। तो क्या होगा? देखिए जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द हों तो, चलिए यही समझ लेते हैं। देखिए तो जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द होते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना है? क्रिया भी समझनी है। जैसे वह पत्र लिखता है। देखिए तो लिखना क्या है? क्रिया। अंत में क्या लगा हुआ है? ता है। तो क्रिया में क्या देखना है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो ता हूं क्या है? ये पढ़ाना क्रिया। देखिए वह एक तोता है। देखिए ये भी क्या है? ता है, लेकिन तोता क्रिया नहीं है। तोता क्या है? आपका नाउन। तो ये जो वाक्य आपका है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, और जो ऊपर के वाक्य किसके हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझने के लिए जब वाक्य की क्रिया में
ता है, ती है, ते है, आदि हो, तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखिए, जब हम पहचान लेते हैं किसी चीज को, तो फिर उसके बनाने के नियम, तो सबसे पहले आप ऐसा एफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस इसको बनाना सीखेंगे। देखिए, नियम बता रहा हूं। यदि किसी वाक्य का कर्ता एक वचन है, यदि कर्ता एक वचन हो, एक वचन हो, तो क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। देखिए, दूसरा, यदि कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, कर्ता कैसा है, बहुवचन का है, तो हम उसमें एस या यस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तीसरी चीज क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, जैसे वह पत्र लिखता है, ही इज राइट ए लेटर, तो हमने जो बोला ही इज राइट ए लेटर, तो सेंटेंस कैसा गलत है, क्योंकि हम लिख रहे हैं उसमें ना तो इज लगेगा, ना एम लगेगा, ना आर लगेगा। तो आपको समझना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा देखें, पहला नियम क्या कह रहा है हमारा, कर्ता कैसा है, एक वचन का। देखिए, मैं लिख रहा हूं कर्ता, सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, कर्ता, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस, या फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, कर्ता लगाना है, फिर क्रिया में एस या ईएस, अगर कर्ता हमारा बहुवचन का है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या लगाएंगे हम, लिखता है, लिखना क्या है, क्रिया, ही राइट, अब क्या लगाना है इसमें, एस, ही राइट्स, तो ये तो शब्द कैसा रहा, ही इधर से लिखा जाने वाला, अब राइट, पत्र लिखता है, पत्र, लेटर, ही राइट्स ए लेटर, तो ये कहां से, ये पीछे से लिखा जाने वाला शब्द है। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं सबसे पहले आई, अब देखो पढ़ाना, तो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या है, टीच। देखिए, अब टीच किस फॉर्म में लगा रहे हैं हम, फर्स्ट फॉर्म में लगा रहे हैं, क्योंकि आई है तो एक वचन का, लेकिन आई क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेता है, आई को फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता होती है, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखिए, तो ये क्या है, ही एक वचन, तो लग गया राइट्स, और आई कैसा है, एक वचन, लेकिन ये क्या लेता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसे बहुवचन में काउंट कभी नहीं करते हैं, लोग कहते हैं आई बहुवचन का होता है, आई हमेशा एक वचन का होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यह बहुवचन की क्रिया लेता है। देखिए, और इसके आगे बताता हूं,
अगला नियम देखिए, यदि किसी वाक्य में क्रिया पर जोर दिया गया हो तो कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार दो या दस लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए, यदि क्रिया पर जोर दिया गया हो, जैसे वह निबंध लिखता तो है, देखिए लिखता तो है, क्या है, एक क्रिया पर जोर देना, तो वह कैसा है, एक वचन का, तो क्या लगाएंगे आप, ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, डज, ही डज राइट ए लेटर, ओ सॉरी निबंध एन एसे, ही डज राइट एन एसे, मैं पत्र पढ़ता तो हूं, देखिए अब पढ़ता तो हूं, क्या ये क्रिया पर जोर देना, तो आई कैसा है, एक वचन का, लेकिन क्रिया कैसी लेता है, बहुवचन की, तो क्या लगाएंगे, डू, आई डू रीड ए लेटर, देखिए तो ये क्रिया पर जोर देना हुआ। अगला इसी में देखिए, अगर किसी वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द हो, शब्द हो तो कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आप कर्ता लगाएंगे, चाहे वो एक वचन का है चाहे वो बहुवचन का, उसके बाद कैन, और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, देखिए तुम यू, अब कैन, अब हल करना, हल करना मीन्स सॉल्व, यू कैन सॉल्व, अब इधर से मैंने क्या कहा था, कुछ इधर से चलिए, तो इधर से किसको, ये और क्रिया, फिर इसके बाद आप इधर से चलना शुरू करेंगे ऐसे, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह तेज दौड़ सकता है, ही, अब क्या लगाएंगे, कैन, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। इसके आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अफर्मेटिव की एक्सरसाइज करेंगे। देखिए जिन लोगों के पास में, मैंने बताया था न्यूलाइट जनरल इंग्लिश है, जिन्होंने खरीद ली है तो आप उसी से एक्सरसाइज करें, और जिन्होंने नहीं खरीदी है तो वो इस किताब को खरीद लें, और उसके बाद इसमें से एक्सरसाइज वन जो है उसकी ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसको सॉल्व कर लें, नहीं आए मुझे बताएं, थैंक यू।
कितनी बड़ी है।